बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पैन फ्राई कबाब। ठीक है, उसके लिए मैंने चिकन का क़ीमा लिया है, भुना हुआ बेसन लिया है, एक टेबल ऑयल लिया है, लेमन जूस लिया है, दही है बगैर पानी वाली, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ज़ीरा भुना कुटा हुआ है, गरम मसाला है, चाट मसाला है, लाल मिर्चों का पाउडर है, नमक है, हरी मिर्चें हैं, चॉप हमारे पास प्याज है, चॉप हमारे पास आधी शिमला मिर्च है, चॉप हरा धनिया है और हमारे पास तली हुई प्याज है। कितनी कितनी क्वांटिटी है? मैंने चिकन का ये क़ीमा आधा किलो लिया है। ठीक है, अच्छा मैंने इस साइज़ की ये प्याज ली है, इसको फ्राई कर लिया और इसी साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया। ठीक है, यानी हमें दो प्याज चाहिए थी, एक चॉप प्याज और एक तली हुई प्याज है, इसको भी हम पीस लेंगे। आधी जो है मैंने शिमला मिर्च है उसको बारीक काट लिया। ठीक है, हरा धनिया एक टेबल स्पून के बराबर, दो हरी मिर्चें मैंने बारीक काट ली हैं, एक टेबल स्पून के बराबर ऑयल डालेंगे, एक लेमन जूस है, एक लेमन का एक टेबल स्पून भर के हमारे पास दही है जिसका पानी बिल्कुल निचड़ा हुआ है, एक टेबल स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, आधी टी स्पून मेरे पास गर्म मसाला पाउडर है, आधी टी स्पून मेरे पास जीरा भुना हुआ कुटा हुआ, आधी टी स्पून नमक है, एक टी स्पून भर के 1 से 1.5 टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर है और 1 टी स्पून मेरे पास चाट मसाला है, इसलिए नमक हम देख के डालेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होगा। ठीक है, और मैंने ये बेसन भून के रखा है, ये मैं 2 टेबल स्पून शामिल करूँगी। ये देखिए हमने जो है वो प्याज अपनी तली हुई उसको पीस लिया। अच्छा देखिए, मैंने एक बार चॉपर में अपने शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया इसको भी बिल्कुल तो एक बार चॉपर में चला लिया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो है वो क़ीमा शामिल करेंगे। क़ीमे में अब यही हरा मसाला जिसमें प्याज, शिमला मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च, तली हुई प्याज, ये अपना सूखा मसाला, चाट मसाला, नमक, गरम मसाला, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, लेमन जूस, एक छोटे लेमन का जूस लिया, एक टेबल स्पून दही जो कि पानी निकली हुई है, एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। एक बार चॉपर में चला लिया है ना तो अच्छा सा इसमें हो जाएगा। ये 1 टेबल स्पून के बराबर हमने ऑयल शामिल कर दिया इसमें, ये भी मिक्स कर लेते हैं, फिर हम अपना भुना हुआ बेसन शामिल करेंगे। ठीक है, ये भी शामिल हो गया। अब हम इसमें जो है वो 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून शामिल करके अभी देख रहे हैं, अगर और ज़रूरत होगी तो और, इसीलिए मैंने भून के रख लिया था। बेसन को हमने भून लिया है, खुशबू भी आने लगी और हल्का हल्का सा कलर भी आया था। ठीक है, 1 टेबल स्पून मैं और डाल ली हूँ, यानी हमारे कुल ये वाले 4 टेबल स्पून। ठीक है, ये हो गया बस। अब हम इसको अच्छे से मिक्स किया है हमने, अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। देखिए 1 घंटा हो गया फ्रिज में। ठीक है, अब हम एक बार इसको मिक्स करेंगे फ्रिज से निकालने के बाद। ठीक है, अब हम जिस साइज़ के हमें कबाब बनाने, हम वैसे कबाब बनाएंगे। मैं राउंड शेप के बना रही हूँ, आपको लंबे बनाने हो तो लंबे बना लें, कटलेस शेप के बनाने हो कटलेस शेप के बना लें। इस तरह मैं सारे कबाब तैयार कर लेती हूँ, सारे कबाब रेडी कर लिए। आधा किलो में हमारे 12 कबाब बनते हैं, चाहे आप लंबे बनाएं, कटलेट शेप बनाएं या गोल बनाएं। अब हम इसे फ्राइंग की तरफ चलते हैं। इसमें 1 से 2 टेबलस्पून बस ऑयल डालेंगे,
और हम इसमें छह कबाब कर ली हूँ, बाकी अपने डीप फ्रीज कर दी। अच्छे से एक तरफ से कलर आ गया, अब हम इसको पलट रहे हैं। हमारे कबाब फ्राई हो गए, उनको हम निकाल रहे हैं। अब आप चूल्हा बंद करके अब हम मिलते हैं प्रेजेंटेशन में। हमारे मज़ेदार से पैन फ्राई चिकन कबाब जो है वो रेडी है। उम्मीद है आप ज़रूर ट्राई करेंगे। ये भी एक डिफरेंट किस्म की रेसिपी है कबाबों की जो मैं अब तक आपको सिखा चुकी हूँ। और मेरे मज़ीद कबाबों के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।